नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर। और हमारे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की क्लास में टुडेस टॉपिक इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब जैसे हम हैं वैसे ही हम संतति को जन्म देते हैं। एज द पेरेंट्स सो आर द ऑफस्प्रिंग्स, मतलब हम अपने ही समजात लोगों को जन्म देते हैं, अर्थात अपने लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना ही अनुवांशिकी है। उसे ही हम हेरिडिटी भी कहते हैं, उसी को अनुवांशिकी कहते हैं। ट्रांसफर द ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू न्यूबॉर्न फ्रॉम टू ऑफस्प्रिंग्स। लेकिन क्या हर बच्चे में वही ज्यों के त्यों गुण जाते हैं? कई बार उन गुणों में परिवर्तन होता है जिसको वेरिएशन कहते हैं। दैट वेरिएशन में भी सोमेटिक हो सकता है, जेनेटिकल हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है। तो इस तरह के चीजों का अध्ययन हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं और जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स मतलब उन लक्षणों को पढ़ना जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाती है, इसको वंशागति अनुवांशिकता जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स मतलब जीवों में जीन अनुवांशिक भिन्नता और अनुवांशिकता का अध्ययन। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी। वेरिएशन भी पढ़ते हैं हम और हेरिडिटी भी पढ़ते हैं। हेरिडिटी मतलब वो लक्षण जो ज्यों के त्यों ट्रांसफर हुए हैं उसको हम हेरिडिटी कहते हैं, और जो परिवर्तन हुआ है उसे वेरिएशन कहते हैं। तो पहली बार इस पर प्रयोग किया था जॉन ग्रेगर मेंडल ने 1822 से 84 के बीच। उनका समय है, उनका समय एक पादरी थे वो। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोशिका होती है, उस कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर एक क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है और फिर होता है जीन, सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो हम इसके बारे में अध्ययन करने का काम करते हैं, डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, जीन के बारे में और इस डीएनए के बेस के बारे में, एडेनिन साइटोसिन थायमिन एंड ग्वानिन, मतलब एटीसीजी का अध्ययन करते हैं। हम ये देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति के लक्षण, वो ट्रेट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, वो क्या मैकेनिज्म होता है और वो क्या बेस होता है, किस आधार पर ये सारे लक्षण ट्रांसफर किए जाते हैं। इन सब का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स कहलाता है। तो जेनेटिक्स मतलब हर व्यक्ति के अंदर कोशिका होती है और कोशिका में जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन। व्हाट इज जीन? लिखा हुआ पढ़िए, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन जो होता है वो एक या एक से अधिक लक्षणों को व्यक्त करता है कि आपके बाल का रंग कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, घुंघराले होंगे, लंबे होंगे, आंखों का कलर कैसा होगा। केवल आपकी बॉडी के अलावा साथ में आपकी चीजों को भी डिजाइन करने का काम करता है जीन। तो बात आती है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, कौन है इस अनुवांशिकी के पिता? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है मैन ऑफ साइंस ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधों पर अध्ययन किया था। जिन्होंने किस पर अध्ययन किया था? मटर के पौधों पर अध्ययन करने का काम किया था इन्होंने। एक बात और नोट करिएगा, एक क्वेश्चन आता है फादर ऑफ जेनेटिक्स तो आंसर होगा जॉन ग्रेगर मेंडल, फिर आएगा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, मैं लिख देता हूं फादर ऑफ प्रयोगात्मक अनुवांशिकी का पिता। अब देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स एग्जाम में बहुत पूछ चुके हैं, थोड़ा सा नया पूछेंगे कि एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स के कौन है, तो टी मॉर्गन है। टी मॉर्गन को प्रयोगात्मक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ
एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। इस जेनेटिक्स को पढ़ने के पहले हमें कुछ बेस को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? उस बेस में आएगा क्रोमोसोम। इसके पहले जेनेटिक्स क्या है कि संतानों में लक्षण कैसे जाते हैं, द स्टडी ऑफ हाउ ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग, कि बच्चे की जीभ ऐसी है, उसके दांत वैसे हैं, उसके चीक वैसे हैं, उसके हेयर वैसे हैं, ये लक्षण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ये हम जेनेटिक्स के भीतर इसका अध्ययन करेंगे। हाउ थिंग्स ट्रांसफर। आप भी अपने माता पिता के बहुत सारे सोमेटिक, यानी सोमेटिक मतलब बॉडी, शरीर के लक्षणों को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो लक्षण कैसे आए हैं, क्या चीज रही है हमारी कोशिका के अंदर कि वो सारे चीजें ट्रांसफर हुई हैं, जबकि हमारे आधे क्रोमोसोम्स मदर साइड से आ रहे हैं और आधे फादर साइड से आ रहे हैं, 23 फ्रॉम फादर एंड 23 फ्रॉम मदर। जो आपके ट्रेट्स होते हैं, गुण होते हैं, ध्यान से समझिएगा, वो डिटरमाइन बाय द जीन, वो जीन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जो आपके ट्रेट्स यानी आपके जो गुण होते हैं, आपके अंदर जो लक्षण होते हैं, वो गुणसूत्रों पर जीन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एक जीन डीएनए का एक खंड है जो विशेषता निर्धारित करता है। व्हाट इज जीन? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट डिटरमाइन ट्रेट। ये जीन वही चीज है जो किसी एक गुण को निर्धारित करता है, इसलिए इस विज्ञान को हम जेनेटिक्स कहते हैं। जीन से जुड़ा हुआ है क्योंकि जीन के माध्यम से ट्रांसफर होता है। और जीन कहां होते हैं? जीन जो होते हैं वो डीएनए के सेगमेंट होते हैं, ठीक है? ये सेगमेंट कहला गया डीएनए का। और डीएनए कहां होते हैं? सब क्रोमोसोम्स पर होते हैं। और क्रोमोसोम कहां होता है? क्रोमोसोम नाभिक के अंदर होता है। और नाभिक कहां होता है? कोशिका के अंदर होता है। ऐसी हजारों कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं, लाखों कोशिकाएं हमारे, अरबों कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। समझ में आ रहा है? तो गुण जो होते हैं वो हमारे जीन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। क्लियर? अब हम इनके अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स की। बात करेंगे किसकी बात करेंगे? क्रोमोसोम। एक कोशिका होती है, उस कोशिका में नाभिक होता है और नाभिक में मिलता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का हिंदी मतलब है गुण सूत्र, मतलब ऐसे धागे, सूत्र यानी थ्रेड्स, सूत्र यानी थ्रेड्स, ऐसे धागे जो गुणों को प्रदर्शित करते हैं उन्हें गुण सूत्र कहते हैं। मतलब ऐसे धागे जो गुण बताए, आपके भीतर कौन से गुण हैं वो कहलाते हैं गुणसूत्र। तो क्रोमोसोम क्या है? प्रोटीन से बने धागे हैं जो डीएनए के अणु हैं, जो जेनोमिक जानकारी को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ले जाता है, सभी में ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं कैरियर ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, ठीक है? किसके वाहक होते हैं? अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं क्रोमोसोम्स। याद रखेंगे, एग्जाम में आएगा प्री में कि अनुवांशिक गुणों का वाहक क्या होता है, तो क्रोमोसोम्स होते हैं। गुणसूत्र की खोज 1875 में स्ट्रासबर्गर ने की। स्ट्रासबर्गर डिस्कवर्ड द क्रोमोसोम इन 1875 बट नेम्ड बाय वाल्डेयर। वाल्डेयर कॉइन द टर्म क्रोमोसोम इन 1888। तो प्रश्न आएगा कि क्रोमोसोम शब्द किसने दिया है, तो वाल्डेयर ने दिया है। और क्रोमोसोम की खोज करने वाले कौन है, तो क्रोमोसोम की खोज करने वाले हैं स्ट्रासबर्गर ने, इसकी खोज की हुई है। 1900 में वाल्टर सटन और थियोडोर वॉब ने सुझाव दिया कि गुणसूत्र जो होते हैं वो जीन के भौतिक वाहक होते हैं। क्रोमोसोम आर द फिजिकल कैरियर ऑफ जीन्स इन यूकैरियोटिक सेल। किसने कहा? वाल्टर सटन एंड थियोडोर बॉबरी ने। याद रहेगा आपको, ये सब प्री के लिए थोड़े से फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? गुड इवनिंग विशाल। हमारी बायो बिल्कुल अंतिम अवस्था की तरफ जा रही है,
तो थोड़ा बहुत जो हमारा बचा हुआ है, बाकी आप जो बायो है वो थोड़ा साइंस टेक में भी पढ़ लेंगे, जैसे कि क्लोनिंग पढ़ लेंगे, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ लेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स पढ़ लेंगे, ठीक है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ लेंगे, क्लोनिंग है, ठीक है, ये सारा पार्ट जो है वो उसमें स्टेम सेल टेक्नोलॉजी सब उसी के हिस्से में जाएगा। चलिए, तो गुणसूत्र क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स गुणसूत्र जो होते हैं वो मैट्रिक्स और डीएनए के बने होते हैं। अब ये मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक लिक्विड है, मैट्रिक्स इज अ फ्लूइड दैट कंटेन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम व्हिच इज मेड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन। देखिए, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो ये क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, देखिए ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम जो है इसके अंदर एक लिक्विड भरा है जिसका नाम है मैट्रिक्स, और ये क्रोमोसोम खराब ना हो इसलिए चारों तरफ कवर है, इस कवर को पेलिकल कहते हैं। पेलिकल इज अ मेम्ब्रेन, पेलिकल एक झिल्ली है जिस झिल्ली से गुणसूत्र क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। उस झिल्ली से क्या होते हैं, गुणसूत्र सुरक्षित रहते हैं। और ये मैट्रिक्स एक द्रव होता है, जो द्रव भरा होता है जिसके कारण गुणसूत्र को कोई नुकसान कोई धक्का नहीं लगता है। साथ ही साथ गुणसूत्र में ये हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में सैकड़ों और हजारों जीन होते हैं जो कोशिका में कई प्रोटीनिकली ठीक से कोड कर सकते हैं। ईच क्रोमोसोम कंटेन 100,000 ऑफ जीन दैट कैन प्रिसाइजली कोड फॉर सेवरल प्रोटीन इन द सेल। क्या लिखा है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, ये याद रखेंगे, ठीक है, कि मैट्रिक्स में क्या होता है, डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विच प्रोटीन फाउंड इन क्रोमोसोम्स, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। गुणसूत्रों का काम क्या है, मेन फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टू कैरी द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्रोमोसोम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड एक्ट एज गाइडिंग फोर्स इन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिपेयर, रीजनरेशन प्रोसेस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल। क्रोमोसोम जो है विकास, प्रजनन, मरम्मत और पुनर्जन्म प्रक्रिया में मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं, जिनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर वो ट्रैक्स होते हैं जो आपको किसी भी परिस्थिति में बेहतर बनाए रखने के लिए काम करते हैं। क्लियर है, वो कौन करता है, सारा काम क्रोमोसोम करता है। अब थोड़ा सा और इसके अंदर जाते हैं क्रोमोसोम के। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं जरा, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। मनुष्य में, ह्यूमन में, ये क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 46 होती है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब हमारी कोशिका के केंद्रक के भीतर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। पुरुष जो होते हैं और स्त्री जो होती है, पुरुष में 22 ऑटोसोमल होते हैं, ऑटोसोमल मतलब समजात, एक जैसे होते हैं, और यहां पर स्त्रियों में 23 ऑटोसोमल होते हैं। स्त्री में कितने, पुरुष में 22, स्त्री में 23 ऑटोसोमल होते हैं। जो 23rd क्रोमोसोम होता है, 23rd पेयर क्रोमोसोम होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता, जो ये तय करता है कि आने वाली संतान लड़का होगी या लड़की। ये 23वें जोड़ा क्रोमोसोम तय करता है, जो एक्स और वाई होता है, ये सब एक्स एक्स, ये सारे 23 के 23 एक्स एक्स होते हैं। पुरुषों में भी 22 एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, पर 23वां एक्स और वाई होता है। एक्स का एक्स से मिलन हो जाए तो लड़की होती है, और एक्स और वाई मिल जाते हैं तो लड़का होता है। मतलब वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है लड़के के लिए, कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स लड़की के लिए और वाई लड़के के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं जीन की, बात करते हैं जीन क्या है।
अगर हम जीन की बात करें, जीन अनुवांशिकता की बुनियादी और भौतिक इकाई है, एक प्रकार का हेरिडिटी कंटेंट है जीन, आर द बेसिक फिजिकल फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड यू गेट देम फ्रॉम योर पेरेंट्स, ये आपके पिता से मिलते हैं जीन, डीएनए इज इन जीन्स, जीन्स आर इन क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। हिंदी में क्या लिखा है, डीएनए जीन में होता है, जीन क्रोमोसोम में होता है, क्रोमोसोम कोशिका के केंद्र होता है, प्रत्येक जीन में किसी विशेष कार्य प्रोटीन कोडिंग के लिए निर्देश होते हैं, एवरी जीन कंप्राइजेस ऑफ द पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या करना, नाक कैसी बनानी है, किस शेप की बनानी है, कान किस शेप की बनाने हैं, उनका कलर क्या होगा, ये सारा कुछ इंस्ट्रक्शन हर जीन में लिखे होते हैं, जिससे कि वो प्रोटीन कोडिंग करके हमारे शरीर को, हमारे अंगों को विशेष प्रकार की आकृति दे सके। जीन इज ऑल्सो कंसिडर्ड द यूनिट ऑफ म्यूटेशन, ट्रांसमिशन एंड सेग्रेशन, उत्परिवर्तन करता है, उत्परिवर्तन मतलब नए प्रकार के लक्षण लाता है, ट्रांसमिशन करता है, पृथक्करण करता है, देखता है कौन सा लक्षण को डोमिनेट करना है, किसको रिसेसिव मोड में रखना है, कौन से जीन के लक्षण को आगे बढ़ाना है और कौन से जीन के लक्षण को आगे नहीं बढ़ाना, समझते इसको। हो सकता है कि आपके पास माता और पिता दोनों से दो गुण आए, पर हो सकता है कि माँ का जो ट्रेट है, जो गुण है, वो रिसेसिव मोड में चला जाए, मतलब वो सुप्त अवस्था में चला जाए और पिता का गुण डोमिनेट कर जाए, प्रभावी हो जाए, तो वो गुण क्या होगा, वो उस बच्चे में वो पिता वाला गुण आ जाएगा, माँ वाला गुण नहीं आएगा, लेकिन माँ वाला जीन उसके सेल के अंदर रिसेसिव मोड में रहेगा, हो सकता है कि आने वाली जनरेशन में वो डोमिनेट कर जाए। तो ये गुण लगातार चलते रहते, समटाइम दे आर इन रिसेसिव मोड और इन डोमिनेटिंग मोड। क्लियर है? तो जितने भी अनुवांशिक उत्परिवर्तन होते, म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन मतलब परिवर्तन, म्यूटेशन इज अ चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जब डीएनए के सीक्वेंस में कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन। व्हाट इज जेनेटिक म्यूटेशन, इज अ चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, डीएनए के क्रम में परिवर्तन ही उत्परिवर्तन है। म्यूटेशन और एबनॉर्मल चेंजेस इन द डीएनए ऑफ अ जीन, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए, डीएनए में जो एसीजीटी जो सीक्वेंस बेस होता है, उस बेस में चेंज हो जाना, उस बेस में चेंज क्यों होता है, चेंज हो जाने से नई जनरेशन आती है, नए लक्षण आते हैं, कई बार नई स्पीसीज भी इसके कारण आ सकती है। कैसे चेंज होता है, कई बार सब्स्टिट्यूशन के कारण हो जाता है, सी की जगह टी आ गया, कई बार इंसर्शन आ जाता है, ये ओरिजिनल है ये वाला, ये बदल के नए आ गए, कई बार डिलीट हो जाता है, कई बार कोई कोड डिलीट हो जाता है, या तो प्रतिस्थापन होगा, या प्रवेश होगा, या डिलीशन होगा, इन तीन तरीकों से म्यूटेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन, डिलीशन के माध्यम से। क्लियर है? ये एग्जाम में बहुत आता है, मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो थोड़ा इस पर फोकस करेंगे, इसको ध्यान देंगे, अगर ये छोड़ देंगे जब आएगा तो आप बड़े दुखी होंगे कि आपने बड़े ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा इस चीज को। ठीक है, डीएनए बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डीएनए की बात करते हैं, डीएनए यानी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड सभी जीवों में पाया जाता है, डीएनए यानी डी ऑक्सी राइबो, डी ऑक्सी मतलब दो है इसमें एसिड, इज द हेरिडिटी मटेरियल इन द ह्यूमन एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, ऑलमोस्ट एवरी सेल इन ह्यूमन बॉडी हैज द सेम डीएनए, मोस्ट डीएनए इज लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस। ध्यान दीजिए यहां पर, एग्जाम का क्वेश्चन है कि नाभिक के अलावा डीएनए कहां मिलते हैं, वेयर वी फाउंड डीएनए अदर देन न्यूक्लियस, सो दे फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो, डीएनए जो होते हैं वो मीटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी थोड़ी मात्रा डीएनए की पाई जाती है। क्लियर है? थोड़ी मात्रा डीएनए की कहां मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगी। क्लियर? अब डीएनए किसके बने होते हैं, डीएनए बने होते हैं फॉस्फेट के, पहला डीएनए किसके बने होते हैं, फॉस्फेट के बने होते हैं,
ठीक है, डीएनए में फास्फोरिक एसिड यानी फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा, डीएनए बने होते पेंटोज सुगर के, कौन से सुगर के बने होते हैं, पेंटोज सुगर के डीएनए बने होते हैं, ठीक है। और तीसरा, नाइट्रोजन बेस पाया जाता है डीएनए में। पहला फास्फोरिक अम्ल होता है, दूसरा पेंटोज सुगर होता है, तीसरा नाइट्रोजन बेस होता है। ये नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो होते हैं ए टी सी जी होते हैं, जिसको हम एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन के नाम से जानते हैं। और जो फॉस्फेट होता है वो बैकबोन होता है, ये फॉस्फेट चल रहा है, ये फॉस्फेट है, ये बैकबोन है, इसके अंदर ये ए टी सी जी ए टी सी जी ए टी सी जी का सीक्वेंस होता है। एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन। अच्छा, एक बात और सुनिए, जो एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन हमने आपको लिखाया है ना, ये एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन जो होते हैं ना, इनका एक स्पेशल सीक्वेंस होता है। आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, आपका सीक्वेंस अलग होगा, मेरा सीक्वेंस अलग होगा, पर ऑलमोस्ट 98-99% हम सब में एक जैसा होगा। जो वेरिएशन होगा बहुत ही मामूली होगा, पर वो वेरिएशन ही बता देगा कि ये किसका डीएनए है। कैसे पता करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम पता कर लेंगे कि ये किसके डीएनए का सीक्वेंस है, जिससे हम अपराधी को पकड़ सकते हैं, जिससे हम पैरेंटल डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि इस बच्चे का माता या पिता कौन है, ये भी डिसाइड कर सकते हैं उस डीएनए सीक्वेंस के माध्यम से। रमेश कुमार पूछ रहे हैं लैब असिस्टेंट के लिए भी है क्या? हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन आते हैं आपके सिलेबस में है, ठीक है, तो बिल्कुल काम आएगा, ये पीसीएस में भी काम आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको डीएनए और एटीसीजी नहीं समझ में आया ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको स्टेम सेल समझ में नहीं आने वाली है, आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग समझ में आने वाली है, आपको ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में आने, रट लेना एक अलग चैप्टर होता है। पर अगर आपको ये बेसिक क्लियर है ना, तो आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में आ गई है कि भाई जो एटीसीजी का सीक्वेंस क्या है किसी ब्लड में, क्योंकि चमड़ी मिल गई, कोई नाखून मिल गया, कोई बाल मिल गया, उसको डिसाइड करना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और फिर जिसके बॉडी से वो गिरा है उससे दूसरे से मैच कर लेना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मेरी बात समझ रहे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कुछ नहीं है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम केवल एटीसीजी का सिखा, अब करते कैसे है वो प्रोसीजर, हम साइंस टेक का इशू है, पर अब थोड़ा सा देख लेंगे उसमें करते क्या। क्लियर है? अब देखिए, जो नाइट्रोजन बेस होता है, किसकी बात कर रहा है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस दो प्रकार का, देखिए एग्जाम में बहुत पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, प्यूरिन बेस होता है और एक होता है पिरामिडीन बेस, प्यूरिन एंड पिरामिडीन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, प्यूरिन एंड पिरामिडीन बेस। तो जो ए और जी होते हैं वो प्यूरिन होते हैं, ए और जी वो क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन आर प्यूरिन, और जो साइटोसिन होता है, जो थायमिन होता है, और जो यूरेसिल होता है वो पिरामिडीन होता है। अब बोलोगे आप ये यूरेसिल कहां आ गया, जब आरएनए पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूरेसिल कहां। तो प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन, पिरामिडीन में होता है साइटोसिन थायमिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल थोड़ा सा मैं अलग कलर से बता देता हूं, यूरेसिल, यूरेसिल जो है वो आरएनए का पार्ट है, ना कि डीएनए का पार्ट, पर उसमें भी नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, पर उसमें भी नाइट्रोजन का आधार पाया जाता है। तो प्यूरिन होता है ए जी, पिरामिडीन होता है सी टी यू, साइटोसिन थायमिन यूरेसिल। यूरेसिल किसमें पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। क्लियर है, डाउट, कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब ये डीएनए जो है, ये दिख रहा डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है, द्वि कुंडलित डबल हेलिक्स मॉडल। इस डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में 1953 में बताने वाले थे वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने इस डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया था, एग्जाम में आएगा, नेम द पर्सन हु गेव द थ्योरी ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए के द्वि कुंडलित मॉडल की खोज किसने किया, किसने, इसके बारे में बताया।
तो इसके बारे में बताने वाले भाई हैं वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन को 1962 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है, किसके लिए मिला? नोबेल प्राइज। वॉटसन, क्रिक और बिल्किंस तीन लोगों को मिला, पहला वॉटसन को, दूसरा क्रिक को, तीसरा बिल्किंस को। ये अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने वाला है कि वॉटसन क्रिक के साथ किसको नोबेल पुरस्कार मिला था। गुड इवनिंग रॉकी। तो किसको मिला था? बिल्किंस को नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ये हो गया डीएनए के बारे में। मेरे ख्याल से कंप्लीट समझ है, पर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आपके प्रश्नों का स्वागत है। तो डीएनए की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ध्यान देंगे क्या विशेषता है, कि यह स्वयं की प्रतिकृति बनाता है या प्रतिलिपि बना सकता है। डबल हेलिक्स में डीएनए का प्रत्येक किनारा आधारों के अनुक्रम को डुप्लीकेट करने के लिए पैटर्न के रूप में काम करता है। यह महत्वपूर्ण है जब कोशिकाएं विभाजित होती है, क्योंकि प्रत्येक नए सेल को पुराने सेल में मौजूद डीएनए की सटीक प्रति की आवश्यकता पड़ती है। समझाता हूं आपको, एक कोशिका है ये, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेंगी, इसमें जो डीएनए है वो डीएनए यहां भी चाहिए, जो कहते हो अलग थोड़ी ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं फोटोकॉपी करनी पड़ेगी ना। जब दो कॉपी बनेंगी एक जैसे, कोशिका दो हो रही है, सेल भी डिवाइड होके दो हो रही ना, तो सेल भी डिवाइड हो रही तो डीएनए को भी तो डिवाइड होना पड़ेगा, तो डीएनए को अपनी खुद की कॉपी बनाना पड़ेगा, जिसको डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे। ये देखिए डीएनए दो भागों में बट गया और धीरे धीरे एक अलग डीएनए में डिवाइड हो गया। ये अलग डीएनए, ये अलग डीएनए, इसको कहते हैं डीएनए का प्रतिलिपि तैयार होना। क्लियर है? एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए इज दैट कैन रेप्लिकेट और मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन द डबल हेलिक्स कैन सर्व एज अ पैटर्न फॉर डुप्लीकेटिंग द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस। This is critical when cell divide because each new cell need to have an exact copy of the DNA present in its old cell. जो पुरानी कोशिका में होती है वैसी की वैसी चाहिए, इसलिए DNA को अपनी कॉपी बनानी ही पड़ेगी। ये कहानी समझ में आई आपको? DNA को अपनी कॉपी क्या करनी पड़ेगी? बनानी ही पड़ेगी। अगर DNA अपनी कॉपी नहीं बनाएगा तो क्या करेगा फिर वो? समझ में आ रही बात आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए डीएनए में हमने पढ़ लिया कि डीएनए में वो जेनेटिक कोड लिखा हुआ है कि हम कैसे रहेंगे। जीन एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। डीएनए में सब कुछ लिखा हुआ है कैसे क्या करना, लेकिन लिखे होने से कुछ नहीं होता भाई। आपके ब्रेन में भी तो लिखा हुआ है कि कल को एग्जाम रूम में जाके क्या लिखना है। यहां रखा होना और हाथ से लिखना अलग चीज। यहां पर जो लिखा है वो जिप फॉर्म में है, बंधा हुआ रखा हुआ है, उसको अनजिप करना, उसको समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। डीएनए में सब लिखा है, ब्रेन में है, पर आपको एग्जाम रूम में वो कॉपी पे लिखना है, तो जो ब्रेन में है उसको याद करना, उसको खोलना, उस फाइल को अनजिप करना और अपने हाथों तक पहुंचाकर हाथ से लिखना। मतलब जो कैरेक्टर आपके अंदर है, जो चीज आपकी मेमोरी में स्टोर है, उसको मूव कराना, उसको आगे ले जाना, उसको काम कराना, उस जैसी क्रियाविधि करना, ये सारा काम करता है आरएनए। डीएनए में सब कुछ लिखा है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं कि डीएनए में नहीं लिखा है, पर डीएनए में क्या है? डीएनए जो होता है उसमें सारी जानकारी लिखी होती है, परंतु उसको फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी आरएनए की होती है। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए सारी जेनेटिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है एंड आल्सो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, पर उसका लेवर कौन है? मजदूर ये है आरएनए। आरएनए क्या है? उसके मजदूर है। अब आ रही बात समझ में कि डीएनए को जैसा काम कराना है वो कौन करेगा? आरएनए करेगा। अब देखिए एक चीज और बता देते हैं। डीएनए में क्या मिल रहा है आपको? डीएनए में मिल रहा है ए
टी सी जी, क्या मिल रहा है ए टी सी जी। आरएनए में क्या मिल रहा है, आरएनए मिल रहा है ए सी जी, बस टी की जगह आ गया है यू। ये अंतर है आरएनए और डीएनए में। क्या अंतर है, पहला अंतर टी की जगह यू आ गया है, मतलब थायमिन की जगह यूरेसिल आ गया है। डीएनए में जहां एटीसीजी है वही आरएनए में ए यू सी जी। समझ में आ रही बात, क्या है ए यू सी जी। वो डी ऑक्सोराइबिक है, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, इज अ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल दैट इज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू डीएनए। अनलाइक डीएनए हाउएवर आरएनए इज मोस्ट सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक कुंडलित होता है आरएनए, जबकि डीएनए डबल हेलिक्स होता है। देखो एक अंतर क्या हो गया, ये डबल हो गया, ये सिंगल। दो अंतर पता पड़ गए आपको, आरएनए और डीएनए। तीसरा अंतर क्या है, डीएनए बॉस है, आरएनए काम कर रहा, फंक्शनल चीजों को कन्वर्ट कर रहा है, उसे क्रिया रूप में परिवर्तित करने का काम कौन कर रहा है, आरएनए कर रहा है, ठीक है। तो हर सुगर से एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ गया है, ए टी की जगह ए यू सी जी हो जाए। तो आरएनए का काम क्या है, उन सारी चीजों को आगे ले जाना, ठीक है। आरएनए का काम क्या है, उन सारी चीजों को आगे ले जाने का काम करना है। तो आरएनए का मेन फंक्शन है टू हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एज अ वर्कर, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करना, उसको आगे ले जाने का काम करना है, उस प्रोसेस को करवाने का काम करना है। इसलिए आरएनए भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होते मैसेंजर आरएनए, एक होते आर आर एन ए राइबोसोमल आर एन ए, एक होते ट्रांसफर आर एन ए। बहुत ही सिंपल बता देते हैं, राइबोसोमल जो आर एन ए है और जो मैसेंजर आर एन ए और टी आर एन ए। ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब चलिए समझाता हूं। देखिए पहले समझने की कोशिश करिए, हमें आपका ईयर यानी कान बनाना है, प्रोटीन से बनेगा। प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए। कहां बनेगा ये, राइबोसोम में बनेगा ये। राइबोसोम हमारी कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री है कि नहीं है, कहां बनेगा, राइबोसोम में बनेगा। अच्छा अब कान का रंग शेप कैसा होगा ये एमआरएनए बताएगा, ये सब एमआरएनए में लिखा है, जाके मैसेज दे देगा भैया ये डिजाइन चाहिए। तो सारी डिजाइन कौन बताएगा, एमआरएनए बताएगा, ठीक है। कौन बताएगा, एमआरएनए बताने का काम करेगा कि क्या करना है। फिर आरआरएनए जो है, राइबोसोमल आरएनए, ये प्रोसेस प्रक्रिया शुरू करेगा, प्रक्रिया शुरू करेगा किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस की। कहां पर, राइबोसोम में, कि भैया प्रोटीन बनाना शुरू करो, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम पर ये प्रक्रिया करेगा। लेकिन बोलेगा भैया हम नहीं बनाएंगे आरएनए, बोले वो राइबोसोम बोलेगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, अमीनो एसिड। तो टीआरएनए क्या करेगा कि वहां पर अमीनो अम्ल प्रोवाइड करेगा, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, टीआरएनए। समझ ली प्रोसेस आपने, ठीक है। एमआरएनए के पास पूरा लिखा है डिजाइन, आर बोलेगा इनिशिएट करो, टी बोलेगा रुक जाओ ये लो अमीनो एसिड, तो ट्रांसफर करेगा अमीनो अम्ल को देने का काम करेगा। कहां देगा अमीनो अम्ल को, राइबोसोम पर लाकर देगा, ठीक है। थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, ठीक है। जो एमआरएनए होता है वो कुल आरएनए का 5-10% होता है। क्या होता है, इसमें कोड फॉर्म में लिखा होता है, कोड फॉर्म में लिखा होता है, कोड फॉर्म। ये संदेश लेकर जाता है, संदेश जिसमें सारी डिजाइन लिखी होती है कि किस तरह की चीजें
बननी है, ये सब कहां लिखा रहता है? एमआरएनए में सुरक्षित रहता है। समझ में आ रही बात आपको? फिर आता है आरआरएनए, जो लगभग 75% होता है आरएनए का। इसमें क्या होता है? ये राइबोसोम मैं प्रक्रिया प्रारंभ करता है, मैं प्रक्रिया प्रारंभ कर, इनिशिएट द प्रोसेस इन राइबोसोम। किसकी प्रोसेस? प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। ये क्या करता है? परसेंटेज को माइनस कर लेना, ये एमिनो एसिड्स को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम, ये एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। कितनी बढ़िया व्यवस्था है अगर आपको समझ में आ जाए। सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से लिखी हुई है। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जस्ट से यस आर नो, या कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्दों पे ध्यान देते हैं। डुप्लीकेशन, कई बार ये प्री में बहुत पूछा गया है। डीएनए से डीएनए का बनना डुप्लीकेशन, जब ये अपन ने बोला था ना कि नई कोशिका में बन जाता है, उसे कहते हैं डुप्लीकेशन। फिर एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तीसरा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। चौथा, ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। चारों चीजें नोट कर लीजिए, कंफर्म एग्जाम में आएंगी, चाहे आपको जमे या ना जमे, लेकिन एग्जाम में आनी है। और कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं समझ में आ रहा पूछ सकते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए से डीएनए का निर्माण जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स की। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो है मेंडल। मेंडल बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए हमें बिल्कुल नहीं समझना है इसके, ज्यादा समझेंगे प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जरूरत नहीं है समझाने, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर हमारी एग्जाम की वो डिमांड नहीं है। ठीक है, मेंडल ने जो है जेनेटिक्स को लेकर कि क्या ट्रांसफर होता है मटर के पौधों पर अध्ययन किया, और उन्होंने तीन रूल बनाए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीन नियम बनाए। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब जो जीन डोमिनेट करेगा वही गुण प्रभावी होंगे, बाकी गुण डीएनए तो आरएनए होता कहां है, डीएनए से आरएनए कहां होता, कोशिका में निर्माण होता है डीएनए से आरएनए। ठीक है, डीएनए से आरएनए कहां होगा? कोशिका में होगा। क्लियर है? ठीक है, और डीएनए से आरएनए बनने में क्या, टी की जगह यू ले आओ, डबल हेलिक्स की जगह सिंगल स्ट्रैंड लेकर आओ, दुई कुंडलित की जगह एक लेकर आ जाओ, तो डीएनए से बन जाएगा आरएनए। अब मैंने नियम क्यों लिखा है मेंडल के, जवाब मैं बोल रहा हूं कि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी नहीं, एग्जाम में एक्चुअली आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ ऑफ
मेंडल. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनका कहना है कि कोई भी जीन प्रभावी होता है वही गुण आपको उस पौधे में या उस मनुष्य में दिखाई देते हैं. ऐसा किसका कहना है? ग्रेगर मेंडल का कहना है. एक प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी, डोमिनेटिंग एंड रिसेसिव. दूसरा पृथक्करण होता है, गुण साथ साथ चलते हैं फिर भी बच्चों में या उनके वाले जो मटर के पौधों में जो है वो जीन अलग तरीके से दिखाई देते हैं भले वो एक जैसे क्यों ना हो. दूसरा तीसरा स्वतंत्र वर्गीकरण कह रहा है, उन्होंने मटर के पौधे लिए, एक मटर के पौधे का गोल था मटर, एक में थोड़ी झुर्री पड़ी हुई थी, एक येलो था एक पिंक था. तब भी उन्होंने देखा कि जो आने वाले तो उसके जो मटर के पौधों को जो आपस में क्रॉस कराएगा तो उन्होंने देखा कि जो आने वाले मटर के पौधे हैं उनमें कोई ना कोई गुण चल रहा, पर जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है वो अलग अपना स्वतंत्र वर्गीकरण करते जा रहे हैं. हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में होती है. माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है. ठीक है, क्लियर है? किसके लिए जाना जाता है? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ जेनेटिक्स की ब्रांच है वो सुन लेते हैं थोड़ा सा. जो एग्जाम में है वो आ सकती है, वो बिल्कुल बता देता हूं कि कौन सी आ सकती है. तो आ सकती है साइटोजेनेटिक्स आ सकती है. साइटोजेनेटिक्स क्या होती है उसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है. साइटोजेनेटिक्स मतलब डील विद द स्टडी ह्यूमन क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज एंड देयर कॉन्सिक्वेंस. इसको कहते हैं साइटोजेनेटिक्स, वह शाखा जो गुणसूत्र विसंगतियों का अध्ययन करती है जिसको हम सिंड्रोम कहते हैं. मैंने आपको बीमारी पढ़ाया था, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, याद होगा या प्लेलिस्ट में पीछे जाके देख लीजिएगा. न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं विशाल. फिर है मॉलिकुलर जेनेटिक्स, आणविक अनुवंश की. कौन सी अनुवंश की हम बात कर रहे हैं? आणविक अनुवांश. इट रिवील द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीन, जीन के बारे में अध्ययन करती है, स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन, कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, इसका अध्ययन करने का काम किसका है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का. ठीक है, तो जेनेटिक्स की अलग अलग ब्रांच है, पर पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, इम्यूनोलॉजिकल जेनेटिक्स है. ठीक है, अब जो एग्जाम में आने वाली है वो मैं बता रहा हूं. बिहेवियर जेनेटिक्स, इट स्टडी द जेनेटिक बेसिस ऑफ मेंटल बिहेवियर को बारे में अध्ययन करती है और क्या परिवर्तन हो रहे हैं. भाई आपके घर में सब ठीक है कि नहीं है, किसका बिहेवियर क्या है, यूजेनिक्स एग्जाम में आएगी, इसको पढ़ लीजिए. यूजेनिक्स क्या है? इट इज द साइंस ऑफ इंप्रूविंग इन बॉर्न क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन रेस एंड ऑब्टेनिंग द बेटर हेरिटेज बाय जुडिशियस ब्रीडिंग. मतलब क्या हुआ इसका? जुडिशियस ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ समझते. ये कह रहा है यूजेनिक्स, इसके फादर है फ्रांसिस गाल्टन. ये प्री में आ जाएगा, फ्रांसिस गाल्टन. फ्रांसिस गाल्टन ये कह रहे हैं कि अगर समाज में कोई बीमार है, मंद बुद्धि है, अपराधी है, क्रूर है, वेरी क्रूअल, तो उस बंदे की शादी मत कराओ. जो अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, सुंदर दिखने वाले लोग हैं, उन्हीं की ब्रीडिंग हो जिससे आने वाली जनरेशन बेटर हो सके. ये यूजेनिक्स का मतलब है. ये यूजेनिक्स में क्या छुपा हुआ है? जीन छुपा हुआ है. ये जीन के माध्यम से सुधार करना चाहते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को ही आगे अपनी संतान पैदा करने का अनुमति देनी चाहिए, जुडिशियस ब्रीडिंग करनी चाहिए. ये कहलाता है यूजेनिक्स. यूथेनिक्स क्या कहते हैं? यूथेनिक्स कहता है कि ये उनको हमें क्या करना चाहिए, उनको एक बेहतर वातावरण प्रदान करना चाहिए, बजाय कि वो अपराधी है उसको अपराधी मानने की बजाय उसको एक राइट एनवायरमेंट देना चाहिए. ये पर्यावरण की बात करता है, वातावरण की बात करता है. इसका कहना है कि अच्छा माहौल दोगे तो एक अपराधी का बच्चा भी सुधर जाएगा. तो एक अच्छी परवरिश प्रदान करनी है, उसको अच्छा
जीवन देना ही है, यूथेनिक्स कहता है। यूथेनिक्स कहता है कि ऐसा कोई अपराधी होता नहीं है, कोई आदतन, अगर उसको माहौल अच्छा मिल जाए, उसका जीवन बेहतर चले, तो वो यूथेनिक्स। यूथेनिक्स किसकी बात करता है? गुड एनवायरमेंट से आने वाली जनरेशन को सुधारना। यूजेनिक्स कहता है नहीं भाई, जेनेटिकली सुधारना। यूफेनिक्स, यूफेनिक्स क्या कहता है कि जितने भी बीमारियां हैं जेनेटिक, उनका ट्रीटमेंट करो और उनको अलग करो, जिससे कि आने वाले समय में किसी प्रकार की जेनेटिक डिजीज ना हो, और उन लोगों के विवाह में थोड़ी सावधानी रखी जाए। ये कहता है यूफेनिक्स। ये तीनों चीजें समझ में आ गई आपको? क्लियर है? कोई डाउट है? अब बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। वैसे ये पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये वैसे आपकी साइंस टेक का हिस्सा है। किसका है हिस्सा? है साइंस टेक का हिस्सा है, ठीक है। इसको पढ़ने के पहले थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्संयोजी डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, आर डीएनए टेक्नोलॉजी। समझते हैं थोड़ा सा। समझाने का तरीका बिल्कुल वैसा करते हैं जिससे कि वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। देखिए, हम चाहते हैं कि आने वाले जीव में बेहतर सुधार हो, हम चाहते हैं कि आने वाले जीव में कोई बीमारियां ना हो, तो हमने उसकी स्टडी की, उसके एटीसीजी को चेक किया। यार ये वाला गड़बड़ है, ये जीन, ये जो सीक्वेंस है कहीं ना कहीं बीमारी पैदा करेगा। तो उन्होंने बोला क्या करो, उसको रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम से कट कर दो, उसको काट दो, और उसकी जगह अच्छा वाला सीक्वेंस चिपका दो। मेरी बात समझ में आ रहे हैं? जो खराब क्रम है, खराब क्रम को रिस्ट्रिक्ट एंजाइम से कट कर दो, और अच्छा क्रम जो है उसे पेस्ट कर दो, चिपका दो वहां पर। किसके द्वारा? लाइगेज एंजाइम। ये प्री में कई बार पूछा जा चुका है, किस एंजाइम का यूज करते हैं आर डीएनए टेक्निक में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में? तो लाइगेज एंजाइम से चिपका दिया जाएगा। तो अब क्या होगा, जैसा हमको चाहिए है वैसा सीक्वेंस हमने क्या कर लिया, तैयार कर लिया। इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योजी डीएनए। मतलब हमने जैसी आवश्यकता थी उसके अनुसार वैसा डीएनए तैयार कर लिया। समझ में आ रही है आपको बात? और जब ऐसा तैयार कर लिया तो अब उस व्यक्ति को स्वस्थ बना दिया हमने, जिसको हम कहते हैं आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये बात समझ में आ रही है? अब ये आर डीएनए हमारा तैयार हो गया है, इस आर डीएनए को किसी के शरीर में प्रवेश कराना, शरीर में प्रवेश कराना कहलाता है जेनेटिक इंजरी। समझ में आ रही बात आपको? उसको प्रवेश कराना, उसका प्रयोग करना, उसको सुधार करना, ये कहलाएगी जेनेटिक इंजरी। तो जेनेटिक इंजरी क्या है? इज द टेक्निक ऑफ मॉडिफाइंग द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in which one or more characteristic can be added to that organism by using biotechnology, ठीक है? तो यही तो काम करेंगे, उसके जो character है उसमें कुछ ना कुछ add करेंगे, जिसे हम कहेंगे genetic engineering। मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा जरूरत आपके में नहीं है। आपके कोई डाउट हो जरूर लिखिए, मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, पर मैं उस डायरेक्शन में जाने से बच रहा हूं कि आपको उसकी आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। एक प्रश्न और कई बार आता है, ट्विंस। ट्विंस क्या होते हैं? ट्विंस तीन प्रकार के ट्विंस होते हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक ट्विंस होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं। फ्रेटर्नल मतलब वो एक जैसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, समानता नहीं होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल, मतलब एक देखो होता क्या, समझ लीजिए स्पर्म प्लस एग, दूसरा स्पर्म प्लस एग, तो ये हो गए ट्विंस।
ठीक है, ये हो गए जुड़वा। लेकिन स्पर्म अलग अलग है, एग अलग अलग है, तो मे भी लड़का लड़का, लड़की लड़की, लड़का लड़की, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक गोरा एक सफेद काला है, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो ये कहलाते हैं फ्रेटरनल ट्विंस कहलाते हैं। दूसरा क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो एक एग के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन जब क्लीवेज होता है, जब वो फैलोपियन ट्यूब से आगे मूव करता है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक अलग दो हिस्से बन जाते हैं, इसके इसके दो हिस्से बन जाने से ये दो ट्विंस, ये भी ट्विंस हो जाते हैं। पर ये ट्विंस कैसे हैं, एक जैसे हैं, क्योंकि एक ही स्पर्म एग से बने हैं, इसलिए इनको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। मतलब ये या तो लड़के लड़के होंगे या लड़की लड़की होंगे, एक जैसे दिखने वाले, समझ में आ रही बात, ये एक जैसे दिखने वाले CASR CS9 CS40N। ठीक है, वो डाउट एक होते हैं सेमेसिस ट्विंस, ये तीसरा प्रकार, इसमें दो बच्चे आपस में जुड़े होते हैं, अलग अलग नहीं होते, इसमें अलग अलग होते हैं, सेमेसिस ट्विंस में एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, ये आपस में जुड़े होते हैं, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, मुझे लगता है आपको क्लियर है। और बात आती है जेनेटिक डिजीज की, तो वो जेनेटिक डिजीज मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, जेनेटिक डिजीज आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि जेनेटिक डिजीज कौन कौन सी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताना चाहता हूं, ठीक है, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, बच्चा बच्चे का ब्लड ग्रुप पिता का या मां का संभव है, इम्पॉसिबल मतलब नहीं हो सकता है, असंभव होगा। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल के लिए ओ है, आइदर ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव कोई भी है, ठीक है, तो मां या पिता का ब्लड ग्रुप या तो ओ हो सकता है या ए हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या ओ हो सकता है या बी हो सकता है, या ए हो सकता है या बी हो सकता है। मतलब अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ, इससे भी आप माता पिता को निर्धारित कर सकते हैं संभावित, लेकिन ए बी बिल्कुल असंभव है, ए बी होगा ही नहीं, ए बी संभव ही नहीं है। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो मां और पिता का ओ ए या ए ओ, ओ बी, बी ओ या ए बी, कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, पर ए बी संभव नहीं है, ए बी ब्लड ग्रुप नहीं होगा। समझ में आ रही बात आपको, मतलब माता या पिता का ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ओ ए बी। और अगर संतान का ब्लड ग्रुप ए है, संतान का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो माता या पिता का ओ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ठीक है, किसी कई वैरायटीज में बन सकती है। तो इस तरह हम ब्लड ग्रुप के माध्यम से भी पेरेंट्स को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस क्या होता है, वो भी मैंने आरएच नेगेटिव के समय पढ़ा दिया था कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस होता क्या है। फिर मैंने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी आपको पढ़ा दिया था कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता क्या है। अब बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वैसे साइंस टेक का टॉपिक है पर थोड़ी सी नजर रख लेते हैं कि है क्या ह्यूमन, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्योंकि साइंस टेक में आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। दरअसल 1990 से लेकर 2003 तक चलने वाली यह परियोजना है,
इस प्रोजेक्ट में हमारा काम क्या था, इस प्रोजेक्ट में काम यह था कि हम ATCG का सीक्वेंस पता करें, कोई सैंपल ले लें और देखें कि कितने ATCG होते हैं और ATCG की चीजों को हम क्या करें, स्टोर करें और पता करें कि कौन कौन सी समस्या हो सकती है। मतलब हमें क्या करना है, एक तो ह्यूमन जीनोम की पहचान करना है। जीनोम मतलब क्या है, सीक्वेंस ऑफ ATCG। ATCG के सीक्वेंस को ह्यूमन जीनोम कहेंगे और उस आंकड़े को, उस डेटा को स्टोर करना है। तो इस प्रोजेक्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, इन सारे लोगों का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट था। इसके माध्यम से जीन बैंक बनाया गया अमेरिका में। अमेरिका का इंस्टीट्यूट था नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, जहां पर इस जीनोम के डेटा को सुरक्षित रखा गया। तो क्या करना पड़ेगा, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि क्या हम जो बात करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड की, तो पता पड़ा कि हम सब एक ही हैं, हम में कोई अंतर नहीं है, चाहे हमारी जाति कोई भी क्यों ना हो, हम सब में लगभग एक समान जीन है, लगभग 98-99% जीन एक समान होते हैं। दूसरा, आपको कौन सी बीमारी हो सकती है वो पता पड़े, एक प्रकार का हॉरोस्कोप है आपका। जीनोम क्या है, इट्स अ हॉरोस्कोप ऑफ योर लाइफ, ये आपके जीवन का एक प्रकार का हॉरोस्कोप है। उसके माध्यम से दवाइयां दे सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकते उसके ATCG को काट के आप अलग कर सकते हैं, उसके ATCG को क्या कर सकते हैं, काट के अलग कर सकते हैं। तो ये है ह्यूमन जीनोम। इस प्रोजेक्ट का नाम था रीड एंड राइट। अब हम ह्यूमन जीनोम में रीड कर चुके हैं, अब राइट करने का काम कर रहे हैं। पहले हम रीड किया सारे जीन को, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, राइट करने का काम कर रहे हैं। तो ये है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अगली हम बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है कि हमें किसी जीन का डीएनए का ATCG का सीक्वेंस पता करना। किसका पता करना, ATCG का सीक्वेंस पता करना, जिसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टाइपिंग, अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको खोज करने वाले एलेक जेफ्रे, किसी किसी बुक में जेफरीज भी लिखा मिलता है, एलेक जेफ्रे या जेफरीज ने इसके बारे में, ये आपका प्री का क्वेश्चन हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए इंडिया में जो इंस्टीट्यूट है जहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है वो है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मैं लिख देता हूं, पहला सबसे बड़ा सेंटर है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कहां पर है आप बताएंगे, ये है हैदराबाद। हैदराबाद में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहां पर होता है, और एक है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद, दूसरा है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो भी कहां है, हैदराबाद। तो इस तरीके से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो जेनेटिक्स को लेकर अब आगे आपको क्या पढ़ना है, जेनेटिक मार्कर पढ़ना है, डीएनए बारकोडिंग पढ़नी है, डीएनए क्लोनिंग पढ़नी है, क्लोनिंग के प्रकार पढ़ने, ये सारा कुछ साइंस टेक का पार्ट है। सारा कुछ किसका पार्ट है, बिल्कुल सही है विशाल रॉकी, सारा कुछ साइंस टेक का पार्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, जेनेटिक्स का चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब कल का जो विषय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर थोड़ा फोकस करेंगे, वो है ह्यूमन एवोल्यूशन। किस तरह मानव का उद्विकास हुआ, पहले हम क्या थे और क्या आज होमो सेपियंस हो गए हैं, और होमो सेपियंस से आने वाला इंसान होमो फ्यूचरिस कैसे बनेगा, वो सारी जानकारी की बात करेंगे, और उसके पीछे दी गई बहुत सारी थ्योरीज की बात करेंगे। लेमार क्या कहते हैं, ह्यूगो ड्यूब्रिस क्या कहते हैं, डार्विन क्या कहते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।